वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के तरफ से ज़बरदस्त जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आ गई हूँ, जिसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट 3000 प्लस जॉब का वैकेंसीज आ रहा है। कैसा तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना CTC रेंज आ सकता है, सारी डिटेल्स इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा जॉब का वैकेंसीज तुम लोगों के लिए शेयर करी हूँ, सो पहले से लाइक करवा देना और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला जो पॉइंट है, जॉब का वैकेंसीज मेरे को दिखाई दिया लिंक्डइन आईडी में। सो लिंक्डइन आईडी में HR पब्लिश किया मेरे को दिखाई दिया, तो मैं वीडियो बना दिया। और यहाँ पे जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो डेजिग्नेशन जो होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेन। ओके, देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा कैंडिडेट का नेम, देन तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा जो रनिंग है, ईमेल आईडी, देन तुम्हारा जेंडर, देन तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज नेम, 10th का परसेंटेज, देन तुम्हारा जिन लोग डिप्लोमा किए उन लोगों के लिए डिप्लोमा का परसेंटेज, और जिन लोग 12th किए उन लोगों के लिए 12th का परसेंटेज। ग्रेजुएशंस में कितना मार्क्स आया है मेंशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशंस ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, देन तुम्हारा ब्रांच। सो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन छोड़ के भी आदर्श ब्रांच भी अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों को लिए यहाँ पे आदर्श करके जो ऑप्शन है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो है तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग। ओके, 2022 और 2023 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सो ओनली 2022 एंड 2023 अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा बैकलॉग है कि नहीं यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, करंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस तुम्हारा जो बेसिकली तुम्हारा जो आधार कार्ड का जो एड्रेस मेंशन है मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और करंट एड्रेस अभी तुम जिस लोकेशंस में हो उसी लोकेशंस का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, परमानेंट का एड्रेस दैट्स मीन तुम्हारा जो होम टाउन का एड्रेस है जो तुम्हारा आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेंशन है यहाँ पे डालना पड़ेगा, रेज्यूम का लिंक यहाँ पे तुमको अटैच करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे तुम्हारा करंट अर्ली वर्किंग है तो अच्छा बात है, नहीं है तो नो कर देना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एम्प्लॉयर का नेम है तो अच्छा बात है, नहीं है तो एन ए करके मेंशन कर देना, एन ए करके मेंशन कर देने से भी प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयर का नेम है तो अच्छा बात है। जिन लोग दैट्स मीन तुम्हारा टाटा टेक्नोलॉजी में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं, सो अच्छा बात है, तुम्हारा कोई रिलेटिव काम कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज में तो यहाँ पे नाम डाल सकते हो। और अदरवाइज जिन लोगों के पास ऐसा वाला कुछ ऑप्शंस नहीं है, दैट्स मीन कोई भी रिलेटिव काम नहीं करता टाटा टेक्नोलॉजीज में, उन लोगों को लिए एन ए करके मेंशन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा एमई एमटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल है, बेसिकली जिन लोगों के पास एमई एमटेक कंप्लीट किया उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए, ईयर गैप भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन है, सो जिन लोग एलिजिबल है जरूर अप्लाई करना। ओके, कॉन्फ्यूजन भी आ सकता है, इसीलिए मैं अभी भी तुम लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ, रेज्यूम लिंक करके यहाँ पे मेंशन है, कैसा तुम्हारा रेज्यूम लिंक आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिंक जनरेट करना पड़ेगा, सो रेज्यूम का लिंक जनरेट करने के लिए सिंपल जो तरीका मैं तुम लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ, ओनली फॉर मोबाइल में तुम ऐसा कर सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंट रखना, मैं एक एक करके तुम लोगों के लिए बताऊँगी। ओके, इसके लिए पहला जो पॉइंट है तुम्हारा जो मोबाइल है, मोबाइल में तुम्हारा जो गूगल का जो ड्राइव ऑप्शंस है उसमें जाके तुमको पहले क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्लस करके जो बॉटम है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद अपलोड करके जो ऑप्शंस है इसमें जाके क्लिक करके तुम्हारा जो CV अपलोड करना पड़ेगा। CV अपलोड हो जाने के बाद PDF यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, PDF और जिसके पास डॉक है जो भी है तुम्हारा वर्ड और PDF जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बॉटम करके जो मेंशन है देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में, 3 बॉटम ऑप्शंस में तुमको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो शेयर करके जो ऑप्शंस है यहाँ पे देख सकते हो शेयर करके जो ऑप्शंस है इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारा जनरेट हो जाएगा, तुम्हारा लिंक जो है बेसिकली जनरेट हो जाएगा। ओके, और अदरवाइज यहाँ पे 3 बॉटम करके जो ऑप्शन है इसमें जाके तुम क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपी लिंक करके जो मेंशन है ना, कॉपी लिंक करके जो मेंशन है इसमें जाके तुम क्लिक करके तुम्हारा जो लिंक है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा,
देख सकते हो यहाँ पे रेज्यूम लिंक करके जो ऑप्शन है इसमें जाके थोड़ा सा पेस्ट कर देना, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा लिंक पेस्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा सबमिट करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोसीड्योर है, वेरी सिंपल। मैं सारे डाउट, जितने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं सारे डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है इसीलिए मैं बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो जॉब का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बेसिकली डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जिसमें देख सकते हो एडुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस बोल रहे हैं 10th 12th डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, ईयर गैप नहीं होना चाहिए, बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे डेजिग्नेशन जो होगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन। ओके, पहला जो था तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे MEMTECH तुम्हारा बेसिकली क्वालिफिकेशंस मांगा था। सो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जैसा बोल रहे हैं डिप्लोमा कंप्लीट करना मैंडेटरी है। सो इसीलिए डिप्लोमा कंप्लीट करना मैंडेटरी है, सो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन के लिए यहाँ पे इसीलिए जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। सो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में जैसा नेम है ऐसा ही यहाँ पे प्रॉपर करके डालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नेम, देन तुम्हारा ईमेल आईडी, देन तुम्हारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज का नेम, 10th का परसेंटेज, 12th है तो अच्छा बात है, नहीं है तो एनए करके मेंशन कर देना, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों का 12th भी नहीं कंप्लीट करते हैं, तो उन लोगों के लिए एनए करके मेंशन कर देना। सो 12th है तो अच्छा बात है, नहीं है तो एनए करके मेंशन कर देना। डिप्लोमा का परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांच। सो यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं है तो अदर्स ऑप्शंस में भी क्लिक कर सकते हो। ओके, सो जिन लोग मैकेनिकल है उन लोग यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक कर देना। सपोज जिन लोगों के पास अदर्स ट्रेड है, ओके, जैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है और अदर्स, उन लोगों के लिए अदर्स में ऑप्शंस में क्लिक कर देना। ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। डिप्लोमा में बेसिकली 2023 एंड 2022 जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बाकी ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सो 2022 एंड 2023 पास आउट स्टूडेंट ओनली फॉर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज। एक्टिव बैकलॉग, बैकलॉग है तो अच्छा बात है, नहीं है तो नो कर देना। जो भी है करंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, और जिन लोग करंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है सो सेम ही यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद रेज्यूम लिंक, पहले मैं बता चुकी हूँ कैसा तुमको बेसिकली लिंक जेनरेट करना पड़ेगा गूगल ड्राइव में जाके। सो ऐसा ही तुमको बेसिकली लिंक जेनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबमिट करके जो बॉटम है इसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट और भी एक फॉर्म है बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज के तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसमें बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। ओनली फॉर यहाँ पे तुम्हारा जो ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन ऐसा करके मेंशन है। सो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन ब्रांच है उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना, और जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन छोड़ के अदर ब्रांच है उन लोगों के लिए बेसिकली अदर्स ऑप्शंस में क्लिक कर देना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सारे सेम है 2022 2023 ऐसा करके है, और उसके बाद तुमको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शंस प्रोसीड्योर, बेसिकली पहले तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेसिकली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसा होगा, वर्चुअल इंटरव्यू होगा क्या तुम्हारा ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, उन लोग तुमको बता देगा थ्रू ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी के मार्फत उन लोग बता देगा। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रॉपर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर डालना जो रनिंग कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, और सो कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्रॉपर ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग कम्युनिकेशंस करेगा तो तब दिक्कत होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे CTC क्या मिल सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली दो अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज था। पहला जो पोजीशंस था तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेन, दैट्स मीन PGET। ओके, और सेकेंड जो था तुम्हारा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन, दोनों के लिए बेसिकली वैकेंसीज था। सो उसका रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे जो सैलरी पैकेज तुम्हारा मिल सकते हैं, सो मिनिमम 3.5, ओके, मिनिमम 3.5 LPA से लेके मैक्सिमम अप टू 6 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ इतना सैलरी रेंज आ सकता है। और इंडिया के अंदर एनी स्टेट में तुम्हारा जॉब लोकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इंडिया के अंदर एनी लोकेशंस में जॉब हो सकते हैं। ओके, सो आई होप मैं सारे डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो इसमें भी कुछ डाउट है सो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद लगा तो पहले से लाइक करवा देना, और ऐसा नया जॉब का अपडेटेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।
और जिन लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें तुम्हारा बहुत सारी जॉब का वैकेंसी दिखाई देगा, बट फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।